दोस्तों आपको पता है कि व्हाट्सएप फिलहाल इंडिया में बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों अब आप व्हाट्सएप की जगह कौन सा ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा ऐप आपके लिए उपयोगी रहेगा, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की तरह सेम प्रोसेस वाला ऐप, तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मैं कैलाश हूँ, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी की प्रकृति पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। जैसे यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है सिग्नल ऐप। जैसे ही आप टाइप करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर सिग्नल ऐप आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिलहाल डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके कितने यूजर्स हैं, कितने यूजर्स ने इसको डाउनलोड किया है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इसके 10 मिलियन यूजर्स ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और इसको 3+ रेटेड यानी रैंक मिली है और इसके 667 के व्यूअर्स हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, सेम प्रोसेस व्हाट्सएप की तरह है। यहाँ पर आप कमेंट भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने वाले यहाँ पर ये स्कैन होगा, स्कैन होने वाले आपके सामने यहाँ नीचे ओपन का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको उस पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने वाले आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने वाले आपको यहाँ एलो पर क्लिक करना है, एलो पर आपको क्लिक करते जाना है। क्लिक करने वाले आपके सामने यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा और फ़ोन नंबर भी आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने OTP आएंगे, वो OTP अपने आप लग जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड लगाने हैं, जो भी आप पासवर्ड इस एप्लीकेशन के लगाना चाहते हो, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिए हैं। फिर आपको यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड लगाने हैं जो आपने पहले लगाए, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यह वेरीफाई हो रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पर ऊपर ईमेल आ जाएगी, नीचे आपको अपना नाम टाइप करना है और ऊपर आप इमेज लगा सकते हो प्रोफाइल पर। जैसे यहाँ पर मैंने नाम टाइप कर दिया, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर आना है, जो भी आपके रिलेटेड कॉन्टेक्ट इस ऐप का यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट में कोई भी यूज़ नहीं करा है। जैसे यहाँ पर मैं किसी भी एक बंदे को जोड़ लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस बंदे को जोड़ लिया है। फिर यहाँ पर आपको नीचे चैट में कुछ भी भेज देना है। जैसे यहाँ पर मैं चैट में ये इस प्रकार के भेज रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर भेज दिए तब आप यहाँ पर देख सकते हो सही का निशान लग चुका है व्हाट्सएप की तरह। फिर आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल में क्लिक करके यहाँ से आप इमेज लगा सकते हो प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेज चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इस इमेज को चूज कराऊँ, फिर आपके सामने यहाँ पर इमेज एडिट करने के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ कोने में राइट का निशान है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद ये इमेज यहाँ पर प्रोफाइल पे लग चुकी है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो सभी सेटिंग्स आपको व्हाट्सएप की तरह देखने को मिलेगी। जैसे ही अगले बंदे ने इस मैसेज को देखा, यहाँ पर 2 सही के निशान लग चुके हैं, जैसे व्हाट्सएप में लगते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इमेज भी भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इमेज भेज कर दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ पर एलो पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेज चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे गैलरी गिफ्ट
फाइल, कॉन्टैक्ट, लोकेशन सभी ऑप्शन मिलेंगे सेंड करने के। आप गिफ्ट के रूप में इमेज भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट भेज सकते हो, फाइल भेज सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इमेज ही सेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इस इमेज को भेज रहा हूँ, यहाँ पर ये इमेज जा रही है, आप नीचे देख सकते हो नाव के निशान पर ये इमेज जा चुकी है। यहाँ पर एक सही का निशान लग चुका है। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो। इसी प्रकार से आप जिस जो भी सेटिंग्स आती है व्हाट्सएप में वो सभी देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर प्राइवेसी का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इस एप्लीकेशन के लॉक लगा सकते हो। तो ये बहुत ही सुरक्षित है, व्हाट्सएप से भी बहुत अच्छा सुरक्षित माध्यम है ये एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपकी डाटा व्हाट्सएप से भी बहुत ज़्यादा है सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी डाटा सुरक्षित रहेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि व्हाट्सएप और नई पॉलिसी ला रहा है जिसके माध्यम से डाटा वो फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी डाटा फेसबुक पर शेयर ना हो तो आपको इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज करना चाहिए। इसमें सभी प्रोसेस वो आपको व्हाट्सएप की तरह देखने को मिल रही है। दोस्तों स्टेटस के अलावा और सभी प्रोसेस वो व्हाट्सएप की तरह हैं। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप की तरह इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।